इस तरह का सेमिनार जिसमें हम सभी लोग एक साथ एक मंच पर है और सीनियर लोग और बाहर से बुलाए गए एक्सपर्ट्स जिनका हम फायदा उठाएंगे, जो आने वाला टाइम है कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत कॉम्पिटिटिव टाइम है, ज्यादा टेक्नोलॉजिकल स्किल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जितनी बिल्डिंग्स आजकल बन रही हैं वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के ऊपर बन रही हैं, पुरानी बिल्डिंग्स जो हम लोग बनाते थे 600 रुपए 700 रुपए 800 रुपए का स्ट्रक्चर बनाते थे और अपने आपको हम मानते थे कि हमने बिल्डिंग बना ली, लेकिन आजकल जो बिल्डिंग बन रही है 2000 रुपए फुट की बिल्डिंग्स बन रही हैं, या 1500 रुपए फुट की या 1200 रुपए फुट की रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है। तो जो हमारी टेक्निकल स्किल पहले थी, जो 600 रुपए में कंप्लीट बिल्डिंग होती थी, आज नए नए मटेरियल मार्केट में इनोवेट हुए हैं, नई नई चीजें मार्केट में आई हैं, जो 600 रुपए से फर्दर 1200 रुपए में मिले गए हैं। जो बाकी इंपैक्ट है 600 से 1200 रुपए तक का, उस चीज से हम बहुत ज्यादा अवगत पहले नहीं थे, जो धीरे धीरे हम हो रहे हैं। बहुत सारे मटेरियल बाजार में नए रहे हैं। तो फंडामेंटली आज हम अपनी स्किल इंक्रीज करने के लिए आए हैं, अपना बुद्धि का और आत्मा का बेसिकली विकास करने के लिए हम लोग यहां पर हैं। और जब आत्मा ईश्वर द्वारा आत्मा को जब ये शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर, तो हमारा सबका ये धर्म है, जो आत्मा इस मनुष्य शरीर में आई है उस आत्मा का विकास हो, उस चेतना का विकास हो। बहुत सारे ग्रंथों में कहा गया है, पाप और पुण्य की परिभाषाएं बताई गई हैं, लेकिन उसमें से एक परिभाषा यह भी है, अगर आप अपनी चेतना का, आत्मा का, बुद्धि का विकास करते जा रहे हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे आपकी चेतना और आत्मा का विकास हो रहा है, तो आप पुण्य के रास्ते पर हैं। अगर हमारे द्वारा कुछ ऐसे कर्म हो रहे हैं जिससे हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना डाउनवर्ड ग्राफ पर है, तो हम पाप के रास्ते पर चल रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा का विकास या बुद्धि का विकास कैसे हो। वैसे तो बहुत सारे तरीके, बहुत सारी बातें कही गई हैं। कोई कहता है मंदिर जाओ, कोई कहता है ध्यान करो, कहीं कहा ईश्वर आराधना करो, योग शास्त्र करो, भक्ति करो, पूजा करो, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन दुनियादारी भी निभानी है, बच्चे भी पालने हैं, तो कैसे हो आत्मा का विकास? योगा कर्मस्य कौशलम्, जो कार्य की कुशलता है वही योग है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं अगर पूरी कुशलता से कर रहे हैं, तन्मय होकर के, उसमें डूबकर, मग्न होकर, तल्लीन होकर जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आपका कार्य है, जिसका भी जो काम है, जूनियर इंजीनियर का हो, असिस्टेंट इंजीनियर का हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का हो, चीफ इंजीनियर का हो, ब्रिकवर्क का हो, आरसीसी का हो, रिइंफोर्समेंट का हो, बिलिंग का हो, जो भी कार्य, कैसा भी कार्य, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, अगर पूरी कुशलता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ आप कर रहे हैं, तो आप योग कर रहे हैं। लोग कहते हैं योग मैं सुबह मॉर्निंग में करता हूं आधे घंटे,
कोई कहता मैं शाम को भी करता हूं आधे घंटे, तो 12 घंटे और 18 घंटे योग करने का तरीका है। जो भी हम काम करें पूरी कुशलता के साथ करें तो आप हमेशा कृष्ण रूपी योग में है, योगमयी आपकी आत्मा है। जब आपकी आत्मा हमेशा योग के रास्ते पर है तो आपकी आत्मा का विकास हो रहा है, आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है। और जब आपकी बुद्धि का और आपकी आत्मा का विकास हो रहा है तो आप तरक्की के रास्ते पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा करके आप अपना तो भला कर ही रहे हैं, अपने परिवार का भी भला कर रहे हैं, अपनी कंपनी का भला कर रहे हैं, अपने समाज का भला कर रहे हैं और देश और समस्त संसार का भला कर रहे हैं। जब आपकी आत्मा योग में होती है, जब आप योग में होते हो तो क्या होता है, जो भी एनर्जी आपके चारों तरफ है उस एनर्जी का फ्लो आपकी तरफ हो जाता है। जब आप सच्चे अच्छे रास्ते पर तन्मयता के साथ चल रहे हैं तो जो भी एनर्जी जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी एनर्जी भी आपके पास आती है। जब आप और लेवल पे पहुंचते हैं तो सारे लोगों की एनर्जी आपके पास आती है। जब आपका लेवल और बढ़ जाता है तो पूरे एनवायरनमेंट की एनर्जी आपके पास आती है। और भगवान कृष्ण ने गीता में एक बात कही कि ध्यान कर्म पे रहना चाहिए, फल पे नहीं। तो कहते हैं अच्छा इसका मतलब यह है काम करे तो खाने न गए। कम्युनिस्ट लोग ये कहते हैं अच्छा भैया काम करा तनखा नहीं, तनखा की इच्छा नहीं रखे काम करा बस, मुझे से इसका मतलब ये नहीं कि फल तो कर्म में ही छिपा हुआ है, फल तो कर्म का ही बाय प्रोडक्ट है। जब कर्म होगा तो फल तो उसमें से निकलेगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम फल की तरफ ध्यान लगाएंगे तो हमारा कर्म इफेक्टिव हो जाएगा, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। हमारी परफॉर्मेंस खराब ना हो इसलिए फल को वर्जित कृष्ण ने किया हुआ है, फल की तरफ ध्यान ना लगाए। हाँ टारगेट ऊंचा हो, पता है कि आपने 12 मंजिल बिल्डिंग बनानी है, 12 मंजिल बिल्डिंग बनानी है तो दिमाग 24 घंटे 12 मंजिल पे ना हो। अगर आप दूसरी मंजिल इस वक्त बना रहे हैं तो पूरा फोकस दूसरी मंजिल पे हो, इसका मतलब यह है। अगर आपका ध्यान 12वीं मंजिल पर है तो दूसरी मंजिल खराब हो जाएगी। अगर आपने कोई किताब पढ़नी है इतनी मोटी, एग्जाम देना है और आपका पता है इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अभी तो बहुत सारे चैप्टर हैं, इसमें तो 800 पेज है, मेरे को 800 पेज भी पढ़ना है और आप पढ़ रहे हैं दूसरा पेज तो दूसरा पेज पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल हमें उस पर ध्यान नहीं लगाना है, वो बाय प्रोडक्ट है। क्रिकेट में पहली टीम अक्सर जीतती है, क्यों जीतती है, क्योंकि उसके पास फल नहीं होता। 300 रन बनाने या 400 बनाने या 250 बनाने या 200 बनाने, वो पूरी तरह अपने कर्म में लग्न होती है। दूसरी टीम, पहली टीम ने मान ली 280 रन बना लिए तो दूसरी टीम के लिए 281 रन का फल खड़ा हो जाता है, लक्ष्य खड़ा हो जाता है। तो उसका ध्यान बजाय कर्म के 281 पे घूम रहा है कि 281 बनाना है, 281 बना दे, तो उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। इसी तरह टीम में जब किसी अच्छे खिलाड़ी को कैप्टन बना दिया जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। उसकी परफॉर्मेंस क्यों खराब हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में टीम को जिताना है, क्या गया उसके दिमाग में फल आ गया, टीम को जिताना है, उसकी जिम्मेदारी है टीम को जिताना। तो टीम को जिताने का जो बड़ा वाला लक्ष्य है उसके दिमाग में सवार,
तो जो खेल रहा था प्लेफुल मूड में वो नहीं खेल रहा, सीरियस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ प्लेइंग इन ए प्लेफुल मूड इज रियली सीरियसली प्लेइंग। इफ यू आर प्लेइंग इन ए प्लेफुल मूड दैट मीन्स यू आर प्लेइंग सीरियसली, बट इफ यू आर प्लेइंग सीरियसली दैट मीन्स यू आर नॉट प्लेइंग। छक्का तभी लगेगा जब आप मस्त हो, प्लेफुल मूड में हो। अगर आपने सोचा छक्का लगा रहा है तो नहीं लगेगा, आउट लगेगा। एक चीज और, जब हम योग करते हैं कार्य की कुशलता हमारे अंदर आती है तो हमारे अंदर एक चीज और आती है, हमारे कामों में इनोवेशन आ जाता है, हमारे कामों में रिसर्च माइंड बन जाता है। रिसर्च कौन करता है, इनोवेशन कौन, डिस्कवरी कौन करता है? जो अपने काम में पूरा मस्त है, तल्लीन है, वो रिसर्च कर पाता है। जब काम में हमारा दिमाग मस्त हो गया, मन मस्तिष्क आत्मा मस्त हो गई, तो थॉट आते हैं, आइडिया आते हैं और रिसर्च होती है, इनोवेशन होती है। दुनिया में बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी रिसर्च, बड़ी बड़ी इनोवेशन, बड़ी बड़ी डिस्कवरी करके चले गए, पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी अपने इसी काम में। लास्ट में जाकर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइट जल रही है या मैं स्पीकर पे बोल रहा हूँ, आप सब लोग आवाज सुन रहे हैं, ये किसी ने रिसर्च की होगी के द्वारा, हमारे द्वारा इनोवेशन भी होता है, हमारा माइंड बहुत बड़ा इनोवेटिव हो जाता है। और जो भी कर्म हम करें, हमारे द्वारा कर्म मैंने आपको बताया कि पुण्य वाले रास्ते पर होना चाहिए, इस वाले ग्राफ पर होना चाहिए। और इस वाले रास्ते पर जो पॉजिटिव कर्म है वही है, हम बुरा ना सोचे। क्यों क्यों नहीं सोचे, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हालांकि बापू के बंदरों की बात मैं करता रहता हूं, बापू के बंदर से तीन के बुरा मत देखो, मतलब बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत कहो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत जो भी। बापू ने चौथा बंदर छोड़ दिया, बुरा मत सोचो। अगर आप बुरा सोचेंगे नहीं तो बुरा कर भी नहीं सकते, बुरा देख भी नहीं सकते। बुरा देखते कब है, जब मन में इच्छा होती है, मन में थॉट आता है। थॉट आया कोई भी बुरा काम करने का, यार चलो आज तो ये करते मजे लेते जाके कहीं। अगर थॉट नहीं है तो आप नहीं कर सकते वो काम, बुरा देख नहीं सकते, बुरा बोल नहीं सकते। तो इसलिए बुरा मत सोचो किसी भी कीमत पर। क्यों, एक कारण और भी है बुरा ना सोचने के लिए, क्योंकि हम ईश्वर तुल्य हो जाते हैं एक टाइम के बाद। हम जो सोचते हैं वैसा ही होता है। भगवान ने, हम भगवान की संतान है और मनुष्य सबसे श्रेष्ठतम ईश्वर की संतान है, जो जिसको मौका मिल सकता है ईश्वर तुल्य होने का। ईश्वर ने हमें अपने आप से कम नहीं बनाया, अपने आप से छोटा नहीं बनाया। जो कंप्यूटर, मास्टर कंप्यूटर ईश्वर ने हमारे माइंड में लगाया है वो सिर्फ सोचने मात्र से चलता है। आप अपने माइंड में कोई बात सोच लें तो थिंग्स वैसे ही होने लग जाती है, बातें चीजें वैसे ही होने लग जाती है। आप रेगुलर सोचते जाइए, सोचते जाइए, कुछ भी पॉजिटिव वैसे ही होने लग जाएंगे। अगर आप बुरा सोचने लग जाएंगे तो अनचाहे चीज वैसे हो जाएंगे। आप गलती के कारण क्या करेंगे, चीज गड़बड़ जाएगी। माँ बाप क्या करते हैं, कई बार बच्चों को किस तरह से पालते हैं कि बड़ा बड़ा होकर के मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। यार अभी मैं चलो मेहनत कर लेता हूँ, पढ़ा लेता हूँ, इंजीनियर बना लेता हूँ, उसको बुढ़ा हो जाऊंगा तो यार फिर कैसे होगा, अब यही है मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। रोज उसके अंदर ये संस्कार भर रहे हैं, बड़ा होके मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, अपने लिए तैयार कर रहे हैं उसको। स्वार्थ के संस्कार उसके अंदर अनचाहे अनजाने में डालते जा रहे हैं, ये बड़ा होके इसकी बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी, ये तनख्वाह लाएगा, मेरे को लाके देगा, तो मेरा तो बुढ़ापा बहुत बढ़िया बीतेगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं।
तो बच्चे को बचपन से ही अपने लिए तैयार कर रहे हैं, सिर्फ सोच के, सोच से अपने लिए बचपन से ही तैयार कर रहे हैं। और बड़ा होकर माँ बाप ने तैयार किया उसको अपने लिए, और बड़ा होकर वो अपने लिए तैयार हो जाता है, खुद के लिए तैयार हो जाता है। माँ बाप कहते हैं हमने तो इसको पढ़ाया लिखाया ये किया और ये तो आज बीवी को लेके भाग गया, हम तो रह गए। अरे भैया बचपन से तुम संस्कार देते जा रहे हो उसको, थॉट डालते जा रहे हो उनके अंदर, सोचते जा रहे हो स्वार्थ, उसको स्वार्थी तो तुमने बना दिया गलती से, उसका क्या कसूर है? तो हमें अपने काम में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर काम में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ भी रही है उसका समाधान करें, अपने सीनियर लोगों से बात करें, एक्सपर्ट से बात करें, लेकिन नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। एक आपको छोटी सी मजेदार कहानी सुनाता हूं बस। एक लकड़ा आ रहा था, चंदन की लकड़ी बेचता था, रोज काट के लाता था, रोज बेच के अपने घर पैसे लेके उसका चूल्हा जलता था, तो बच्चे उस बच्चे के साथ रोटी खाता था। अब एक दिन क्या हुआ, और राजा बैठा हुआ था दूर, उसने सोचा ये सदा राजा मर जाए यार तो मेरी सारी लकड़ी बिक जाएगी। सोच रहा था खाली, कुछ नहीं कर रहा था, ये मर जाए तो मेरी सारी चंदन की लकड़ी अभी बिक जाएंगे, एक मिनट बाद दुगनी कीमत में बिकेंगे, मजा आ जाएगा, आज तो खाना खीर पूरी खाएंगे। खाली सोच ही रहा था, राजा ने तुरंत ऑर्डर किया है जो आदमी आया है इसको जेल के अंदर डाल दो और 10वें दिन को फांसी पे चढ़ा दो। तो राजा का सेनापति था हमारे गुरुजी जैसा बड़ा विद्वान, प्रखंड विद्वान जिनकी आत्मिक पावर बहुत डेवलप थी, उन्होंने राजा से पूछा, राजा साहब आपने इसका क्या कसूर है बेचारे का, आपने ऐसा क्यों कर दिया? बोला पता नहीं मेरा क्यों कर दिया, ये मुझे भी नहीं पता, मुझे गड़बड़ लग रहा है आदमी, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, खुद भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ ही लफड़ा है इस आदमी के साथ, तो मेरे दिमाग ने क्यों कर दिया मुझे नहीं पता। तो ये नेगेटिव सोचने का रिजल्ट है। तो वो आदमी लकड़हारे के पास गया जेल में, भाई क्या बात है मुझे बताओ, आप सोच क्या रहे थे उस वक्त? मुझे ये सोच रहा था, मैं समझ गया इसलिए हुआ आपके साथ। उसने कहा ऐसा करो आज से राजा के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करो, फांसी तो आपको 10वें दिन लगनी है, बहुत बढ़िया सोचो राजा के बारे में। 9वें दिन राजा ने हुक्म दिया उसको बुलाया, मेरा दिमाग खराब था उस दिन, मैंने इसको जेल में डलवा दिया, फांसी को उसको बुलाया, बुलाया उसको अच्छी तरह से सेवा वगैरह करके पैसे देके उसको विदा कर। तो कम्युनिकेशन जीव से बहुत बाद में होता है, जो हमारी जीव कम्युनिकेट कर रही है इसका नंबर तो बहुत बाद में आता है, हमारी जो वेव्स है वो कम्युनिकेट पहले कर देती। आपके रूम में कोई आदमी आता अचानक आपको अच्छा नहीं लगता, कहते नहीं यार मुझे नहीं मिलना तुम जाओ यार, वो कुछ बोला ही नहीं आपकी। तो मनुष्य का जो दिमाग है, मनुष्य का जो माइंड, जो भगवान ने कंप्यूटर लगाया है इतना पावरफुल है, जो सोचता है वैसे ही होता है, इसलिए सोचना ही नहीं बुरा, नेवर। न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो लकड़हारे ने एक्शन किया, उधर से रिएक्शन आया और वो पट्टा जीत गया। तो एक्शन फिजिकल नहीं होते, एक्शन इस जो भगवान ने कंप्यूटर लगाया यहां से भी होते और यहीं से होते एक्शन। Every action has a reaction equal and in opposite direction. अब बात मैं थोड़ी सी करूंगा आपके साथ, आज का वर्कशॉप स्किल के ऊपर है, स्किल डेवलप करनी है, एटीट्यूड डेवलप करना है, लेकिन जब तक आप अपने प्रति लॉयल नहीं, स्किल हमारी कितनी भी बड़ी हो जाए, आप अपने प्रति लॉयल नहीं हो, अपने समाज के प्रति लॉयल नहीं हो, अपने परिवार के प्रति लॉयल नहीं हो, अपनी कंपनी के प्रति लॉयल नहीं हो, तब तक कोई बहुत बड़ी चीज हमारे द्वारा हो नहीं सकती है। पावर तो है, स्किल तो हासिल कर ली, हथियार भी आ गया, लेकिन चलेगा नहीं।
कपड़ा जाए। मैं दोबारा वापिस महाभारत और गीता पे जाता हूं। कौरवों की सेना में भीष्म पितामह थे, यानी वो कौरवों के प्रति लॉयल नहीं थे, डिसलॉयल थे। और डिसलॉयल कैसे थे वो भी एग्जांपल देता हूं। क्यों डिसलॉयल? भीष्म पितामह ने, कौरवों का सेनापति है, ऐसे सेनापति युद्ध लड़ रहा है और पांडवों को अपना मरने का तरीका बता रहा है कि भैया तुम मुझे ऐसे मार सकते हो, आगे किन्नर रख लेना, फिर चलाना, मैं युद्ध नहीं, मैं वो नहीं मार पाऊंगा। मतलब कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं और अपने अपना अपने आप को मारने का तरीका पांडवों को बता रहे हैं। करण ने भी डिसलॉयल्टी करी, कुंती को वचन दे दिया तेरे पांच पांडव है, पांच ही रहेंगे, यानी छठा वो खुद था ना, मतलब या तो अर्जुन मर जाएगा तो भी पांच रह जाएंगे, मैं मर गया तो भी पांच रह जाएंगे, मैं बाकी चार को नहीं मरूंगा। अरे भाई, कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे हो, तुमको किसने राइट दे दिया ये वचन देने का? सेनापति का भाग मत उठा दे, मत बनते सेनापति, तब तुम्हारी पर्सनल जिंदगी थी, वचन दे सकते थे। जब एक बार आपने सेनापति की जिम्मेदारी ले ली तो तुमको ये राइट किसने दे दिया कि तुम ये वचन दे दो कि मैं चार पांडवों को नहीं मारूंगा? अगर ये वचन नहीं देता तो वो भीम को मार देता, युधिष्ठिर को मार देता, तो करण तो अर्जुन तो वैसे ही काबू में आ जाता। तो करण ने भी डिसलॉयल्टी की युद्ध में, और द्रोणाचार्य ने भी की। पुत्र मोह में, जबकि उसका पुत्र तो मरा ही नहीं था, अश्वत्थामा हाथी मर गया था, धनुष बाण छोड़ के बैठ गए जी युद्ध आ गए। तुमको किसने क्राइट दे दिया? ये हमारी कुछ पर्सनल चीजें, पर्सनल बातों की एक लिमिट होती है। जब कोई बहुत बड़ी लिमिट स्टार्ट होती है तो हमारी पर्सनल लिमिट वहां पर खत्म हो जाती है, क्योंकि जो भी डेवलप होगा, जो भी क्रिएट होगा और वो यहां रहेगा और हम जाके दोबारा आएंगे, अलग बात है, वो यही रहेगा। जो भी जो कुछ क्रिएट करके चले गए, ताजमहल क्रिएट करके चले गए, लेकिन ताजमहल आज हमारे लिए अवेलेबल है। तो हम देश को डेवलप कर रहे हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं देश को डेवलप कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। जो आदमी देश के लिए काम कर रहा है इसका मतलब वो अपने लिए काम कर रहा है। जो हमारे एक एटीट्यूड का हिस्सा है, लॉयल्टी इज दी पार्ट ऑफ आर एटीट्यूड। हम लोग इंजीनियर्स बनते हैं कोई पीएचडी कर लेता है, कोई एमटेक कर लेता है, कोई बीटेक कर लेता है, कोई सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करता है, पर कभी आपने सोचा है कि सक्सेस कौन होते हैं? जो एजुकेशन है दैट इज स्किल, जो हम कोर्स करते हैं, जो सरकार है जितनी या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हमें कोर्स कराते हैं, वो क्या सिखाते हैं? वो हमें इंजीनियरिंग सिखाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। और इंजीनियरिंग क्या है? स्किल है। लेकिन कॉलेज के बाद जब सारे इंजीनियर्स अपने कर्म क्षेत्र में आते हैं, दुनिया की फील्ड में उतरते हैं, तो पता चलता है, कई बार, हमेशा की बात नहीं है, कई बार पता चलता है कि जिसके पास छोटी स्किल है वो
अपनी आत्मा को ज्यादा विकसित कर लिया, ज्यादा ऊंचे प्लेटफॉर्म पे जाके बैठ गए। कायदे में तो जो इंजीनियरिंग का पैमाना है वो तो डिग्री वाइज है, तो पीएचडी वाले को ज्यादा ऊंचा पहुंचना चाहिए था। जिसने पीएचडी की है उसने ज्यादा स्किल हासिल की। तो अपने कर्म क्षेत्र में उसको ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहिए था। अगर हम ये माने कि स्किल ही हमारी सक्सेस के लिए जिम्मेदार है, पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं, बल्कि इसका रिवर्स ही होता है। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हुए, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हुए, या बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत के बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो एडिशन हो, ये लोग स्किल का जो मामला था आपका, उसमें लोएस्ट डिग्री पढ़ते, कोई आठवीं फेल था, कोई दसवीं पास था, कोई स्कूल ही नहीं गया। तो ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने समाज में बड़ा स्थान हासिल किया और जिन्होंने हार्वर्ड से बड़ी बड़ी डिग्रियां ली वो इनके सामने बोले हो गए। अगर आप सोचेंगे, दिमाग पे ध्यान देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका, क्योंकि हम लोग अभी लॉयल्टी पर थे जो एक एटीट्यूड का हिस्सा है। इसका आंसर है आप की सक्सेस के लिए स्किल 5% जिम्मेदार है। स्किल इज जस्ट 5% रेस्पॉन्सिबल फॉर एनीबडी सक्सेस। बाकी 95% उसका एटीट्यूड जिम्मेदार है। स्किल में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, इनसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं था, इनसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं था इस पृथ्वी पर, इनसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं था। अकेले भीष्म पितामह पूरी पांडव सेना को यूं खत्म कर सकते थे, इतनी पावर थी, स्किल थी। प्रॉब्लम कहां आई? एटीट्यूड में, लॉयल्टी में। तो हमें अपने दिमाग पे जोर लगाना है कि स्किल हासिल करने के साथ साथ अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कैसे किया जाए। हम अपने आप के साथ लॉयल्टी कैसे बरतें, अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपनी कंपनी और समस्त संसार के लिए लॉयल्टी कैसे बने, कैसे अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करें। क्योंकि बहुत सारा टाइम मैं ले चुका हूं, 2-3 मिनट का ही टाइम लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो ब्रीफ में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है कि अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कैसे किया जाए, क्योंकि एटीट्यूड ही है जो जिम्मेदार है आपकी सक्सेस का। 95% एटीट्यूड वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये मनुष्य रूप ईश्वर ने अपने तुल्य दिया है आत्मा को। इसलिए हर बात में रास्ता निकालिए, सोचिए कि कैसा हो सकता है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमें बनाना है। अब ये क्योंकि मैं अपना टाइम खत्म करने वाला हूं, तो लास्ट में मैं आपकी बात करता हूं। आप कहेंगे बहुत सारी बातें हो गई और कर्म वाली बात भी, फल के लिए भी मना कर दिया, ऐसा तनख्वाह मिलेगी नहीं अभी।
तो बॉस कुदरत का कानून है, जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना ऑटोमेटिक मिलता है। भगवान का कंप्यूटर सेट है, जो जितना डिजर्व करता है उसको ऑटोमेटिक मिलता है। अगर भगवान से हम कुछ मांगे, भगवान ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जब हम डिजर्व ही नहीं करते कैसे दे दें? आप अपने 3 साल के बच्चे को अगर वो आपसे मांगे, पापा मेरे को एक कार दे दो, मुझे चलानी है, मन कर रहा है, आप दे दोगे? आप बताइए, आप दे दोगे? आप नहीं दोगे। तो वो हमारा परम पिता परमेश्वर कैसे दे सकता है? कहेगा यार अभी डिजर्विंगनेस बनी नहीं, कुछ लायक हुए नहीं, अगर दे दी तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए भगवान से अगर कोई चीज मांगनी है तो भगवान से मांगो, भगवान हमारी डिजर्विंगनेस बढ़ा दो। वो चीज फिर भगवान से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मिल जाएगी। डिजर्विंगनेस इंक्रीज करो, जो मिलना है ऑटोमेटिक मिल जाएगा, बिना मिले रह ही नहीं सकता। मैं चाहूंगा कि मैं इसको इसकी तनख्वाह ना पड़े, पॉसिबल ही नहीं, मैं ही नहीं चाह सकता, मैं चाह ही नहीं सकता। इसलिए और डिजर्विंगनेस बढ़ेगी कार्य की कुशलता से, इनोवेशन आएंगे कार्य की कुशलता से, अच्छा काम हुआ कार्य की कुशलता से, तो सारा लास्ट में जाकर के वही पहुंच जाता है। रेड लाइट की गाड़ी रुकती है, एक भिखारन आती है, छोटे से बच्चे को गोदी में उठा करके कटोरा आगे कर देती है, मेरा बच्चा भूखा है, इसको दूध दे दो। देने की मनसा आपकी सबकी है, लेकिन दूध कितना दे सकते हैं आप बता सकते हैं? जितना बड़ा उस भिखारिन का कटोरा है उससे ज्यादा नहीं दे सकते, जितना बड़ा उस भिखारिन का कटोरा है उससे ज्यादा दूध नहीं दे सकते, चाकर भी नहीं दे सकते। एक बात इसमें और होती है, कभी कभी कुछ लोग अपनी डिजर्विंगनेस बढ़ा लेते हैं, अपना कटोरा बढ़ा लेते हैं, लेकिन नेगेटिव वे में, बाय नेगेटिव मींस इंक्रीज कर लेते हैं। चीजें तो ज्यादा मिल जाती है, स्टेटस तो बड़ा हो जाता है, लेकिन वो कंटेमिनेटेड होता है, पॉइजनस होता है। वो आपको खराब करे या ना करे, हमको खराब करे या ना करे, हमारी संतानें खराब हो जाती है। वापिस भिखारन वाले एग्जाम्पल पे आता हूं, अगर भिखारन का कटोरा बड़ा भी है लेकिन गंदा है, आप दूध डालोगे उसमें? आप क्या कहोगे, इसको साफ कर ला, मेरा दूध भी पड़ जाएगा और तेरा बच्चा भी बीमार पड़ जाएगा, इसको भी इसको साफ कर ला, मैं दे दूं? अचानक लाइट रेड से ग्रीन हो जाती, इतना टाइम नहीं है कि वो साफ करके लाए और आपका दिल चाह रहा है कि दे दिया जाए, आप दे देते हो, तो होगा क्या भाई? हो तो इस समाज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कटोरा बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़े स्टेटस पे पहुंच जाते हैं, बट बाय नेगेटिव मींस। बाद में बच्चे बिगड़ जाते हैं, कोई किसी का एक्सीडेंट करके जेल पहुंच जाता है, कोई किसी का मर्डर करके जेल पहुंच जाता है, और जिसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है वो सब तरह रह जाता है। तो आज का चैप्टर मैं यही खत्म करता हूं, अगला आपका स्टार्ट होने वाला है, बस
लास्ट में ये बोलूंगा कि कंस्ट्रक्शन में तरीके बदल गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, तो जो नई स्किल आई है उससे भी हमें अपडेट करा के रखना है, ताकि हम पीछे ना रह जाएं। अगर पहले सेना तलवारों से लड़ रही थी, पहले एक किला फतह किया, तो आज हो सकता है 40 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 40 किला। तो सेना को बंदूकों की जरूरत है, नए नए हथियारों की जरूरत है, और सेना भी ऐसी हो जो हथियार चलाना जानती हो, नहीं वाले, और जो पुरानी सेना है जिन्होंने तलवारों से युद्ध जीते हैं वो नए हथियार चलाना सीख ले। ये जो हमने प्रोग्राम आज रखा है उस पुरानी सेना को नए हथियार चलाना सीखने के लिए ही रखा है, और ऐसे प्रोग्राम रेगुलर होते रहे, ताकि जिस सेना ने हमारा पहला किला फतह किया वो सेना हमारे साथ हमेशा रहे। ऐसा ना हो कि भाई आप तो पुराने, आपको तलवारों से जीतते थे, आज तो बंदूक का जमाना है, बंदूक चलाने वाले चाहिए, हमें तो आ गया, आपको तो कंप्यूटर तक भी चलाना नहीं आता, अब तो इंजीनियर वो चाहिए जो कंप्यूटर पे एमएस पे फटाफट अपना पार्ट चार्ट पे काम करे, ये करे वो करे वो करे वो करे। पर भाई जो पुराने इंजीनियर से जिन्होंने पहला किला फतह किया था, बंदूक चलानी सीखी तो जा सकती है ना, कंप्यूटर पे नए नए प्रोग्राम सीखे तो जा सकते हैं, नए सीखे जा सकते थे। जो नया इंजीनियर कंपनी में ज्वाइन कर रहा है उसके एडिशनल बन जाओ, एक साल में डेढ़ साल में सीख जाओगे, और जो जल्दी सीखना चाहता है उसके लिए कंपनी सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट कराएगी, कंपनी अपने खर्चे पे सारे प्रोग्राम, चाहे आया अहमदाबाद भेजना पड़े, चाहे बाहर कहीं भी भेजना पड़े, जो भी शख्स जो भी इंजीनियर जो प्रोग्राम करना चाहता है कंपनी उसको सारे प्रोग्राम, मैनेजमेंट प्रोग्राम हो चाहे कंप्यूटर के प्रोग्राम हो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, कंपनी उसको सारे प्रोग्राम सिखाएगी जो सीखना चाहता है। सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए, ये ना हो अरे आगे नए नए कंप्यूटर लेके, हमने तो ऐसे ऐसी बिल्डिंगें बना दी, हमने तो वो बना दी, हमने तो मैके की बना दी, हमने तो ये बना दी, हम तो ऐसे ही बनाई थी और ऐसे ही बनाई थी। जब तक एटीट्यूड वो रहेगा तो प्रॉब्लम, इसलिए नई स्पेसिफिकेशंस, नई टेक्नोलॉजी हमें सीखनी है, आगे बढ़े कंपनी, आगे बढ़े आप, आगे बढ़ो। The lecture, which is really deep rooted and really attacks the very values of us, and we need to change the values to progress. Now, I would request, sir, do we have the time? Some questions can come if they have. Yes. So. Any questions? Yes. The now the ball is in your court. The house is open. जब कर्ता उस कर्म को करता है और अकर्ता बन जाता है, अपने ड्यूटी में शामिल है, वो ड्यूटी कर रहा है, उसको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, मेरी ड्यूटी क्या है, इसको दंड देना। अगर वो चीज ड्यूटी में है, कर्तव्य परायणता में है, तो किसी को दंड देना गलत काम नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी सेना बॉर्डर पर धड़ाधड़ धड़ाधड़ इतने सारे दुश्मनों को मार देती है, तो आपके हिसाब से क्या वो पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं? अरे हाँ, क्या एक आदमी को मार देते तो पाप कर रहे हैं, और वो 100 आदमी को खड़ा मारता है तो पुण्य कर रहा है, क्यों? फर्क क्या हुआ? सिर्फ ड्यूटी, ड्यूटी वो वहां पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पे काम कर रहे हैं,
अगर वो वहां पे काम नहीं कर रहे होते तो हम यहां पे काम नहीं कर रहे होते। तो समाज से नेगेटिव एलिमेंट्स को हटाना हमारी जुडिशरी का ड्यूटी है। हमारी जुडिशरी समाज से नेगेटिव एलिमेंट को हटाती है या उसको कोई दंड देती है तो अपनी ड्यूटी करती है, किसी पर्सनल रंजिश के कारण नहीं, तो वो पुण्य है। मैंने आपको बताया था कि पुण्य और पाप में फर्क क्या है, थोड़ा सा नीचे जाती है वो पाप है। तो जो फौजी सेना में वहां खड़ा होकर के दुश्मन को मार रहा है उसकी आत्मा का उसको विकास हो रहा है या पतन हो रहा है? विकास हो रहा है, वो पुण्य कर रहा है। जो जज ये सजा दे रहा है कि इस क्रिमिनल को ये सजा दे दो, वो जज कहता है कि यस मैंने समाज से नेगेटिव एलिमेंट को हटा दिया, तो उसकी आत्मा का विकास हो रहा है, वो पुण्य कर रहा है। हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो ऐसे हालात ही पता नहीं होंगे। हिंदी फिल्मों में हीरो किस वजह से होता है? विलेन की वजह से। अगर विलेन नहीं है तो हीरो क्यों नहीं है? अगर विलेन नहीं है तो हीरो हीरो ही नहीं है। तो समाज ये ईश्वर का समाज है और ये आपके हमारे और ईश्वर के खुद के कंट्रोल में नहीं। अगर ईश्वर के कंट्रोल में होता ये नेगेटिव एलिमेंट्स आपको देता, कोई पिता अपने बच्चों को अपनी संतान को दुख देता है तो ईश्वर हमें दुख देना चाहेगा? कोई नेगेटिव एलिमेंट्स हमारे साथ छोड़ेगा? ये ऑटो सिस्टम है, ये आत्मा का ऑटो सिस्टम है। हालात होते हैं, हालात जंगल में शेर भी है, हिरन भी है, ऑटो सिस्टम है। समुद्र में छोटी मछली भी है, बड़ी मछली भी है। बड़ी मछली को छोटी मछली को खाने के लिए क्यों सही कहा गया? अगर बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खाएगी तो छोटी मछली अकर्मण्य में हो जाएगी, कर्म नहीं करेगी तो वैसे ही मर जाएगी। छोटी मछली कर्म क्यों कर रही है, क्यों भाग रही है इधर उधर बड़ा? क्योंकि बड़ी मछली खा जाएगी इसलिए भाग रही है। अगर बड़ी मछली नहीं होगी वो भागेगी नहीं, अकर्म में था आ जाएगी तो वैसे ही मर जाएगी। आज हट कर दे भैया, सुबह सो रहे मजे से, रात को खाना खाया सो रहे, खाना ही नहीं बचेगा, पूरा डाइजेशन सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो हमको कर्मशील रहना है, कर्मशील रहना है जी। इंजीनियर में क्या होनी चाहिए? मॉरल ड्यूटीज के बारे में अवेयर नहीं रहते आमतौर पे। ऐसा नहीं कहना चाहता कि मैं ब्लेम कर रहा हूं, नॉट ब्लेमिंग, बट एक इंजीनियर की लाइफ शुरू से लेके आप आखिरी तक समाज से काफी अलग होती है। एक फौजी की और एक इंजीनियर की लाइफ काफी हद तक सेम है जो समाज से अलग है। तो मैं ये जानना चाहूंगा ओमैक्स फाउंडेशन भी डेवलप हो रही है वो इसीलिए है कि हम समाज की सेवा कर सके। तो एक इंजीनियर की मॉरल ड्यूटीज क्या है, वो क्या कर सकता है? एक बहुत बड़े समुदाय का हेड होता है, ऑलमोस्ट हमारी सभी साइडों पे 500 के आसपास तो लेबर रहती होंगी, तो काफी बड़ा मैन पावर सबके साथ रहती है। तो क्या ड्यूटीज है एक इंजीनियर की जो उसे निभानी चाहिए? वो सारी ड्यूटी इंजीनियर्स हो चाहे डॉक्टर हो चाहे एमबीए हो चाहे जज हो, सबके लिए। बट यस, मैं आपका दुख मेरे को थोड़ा सा आ रहा है, आपकी वेदना मेरे को सुनाई दे रही है। और आपकी वेदना भी क्यों निकली? कहते हैं अभी आग, आग जो वक्ष में पली होगी अंततः शब्दों में ढली होगी। आपकी वेदना समझता हूं, उसका समाधान
आप सब है, उसको किस तरह से मेकअप कर सकते हैं, किस तरह से लाइफ को सामाजिक दृष्टि से जोड़ा जा सकता है, किस तरह से लाइफ को मोर इंजॉयबल किया जा सकता है, ये हम आप सब लोगों से ही राय लेंगे और जो आप कहेंगे वैसा ओमेक्स में हम करेंगे। If you are born poor, it is not your mistake. If you are born poor, it is not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. इसका मतलब आत्मा ने शरीर का रूप लिया और जिस अवस्था में पैदा हुई उसी अवस्था में मरी। मनुष्य का रूप लेकर के हम कर्म कर सकते हैं और उस आत्मा को विकसित नहीं किया हम, आत्मा बुद्धि और चेतना का विकास नहीं किया, सारे हथियारों से सुसज्जित होकर के ईश्वर ने हमें यहां भेजा, उसके बावजूद भी नहीं कर पाए हम, इसलिए ये पाप है। अगर कोई आदमी जिस स्टेज में पैदा हुआ उसी स्टेज में मर जाता है तो ये पाप है। हालांकि उसने अपनी आत्मा का पतन तो नहीं किया पर विकसित भी नहीं किया।